Let me record this video. जी, any question from the previous lecture? किसी को कोई किसी किस्म की परेशानी, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा, ठीक है, तो हम इस equation को देख लेते हैं. ये equation हमने पढ़ी थी, which is a number, किन चीजों का sum होता है, कोई भी number, number sum होता है उसके राइट मोस्ट नंबर का, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला. तो ये हमने देखा था कि 278 जो है वो राइट मोस्ट, तो आठ नंबर है, इसको हम यूनिट कहते हैं. उसके बाद वाला नंबर टेंस है, उसके बाद वाला 100 है, उसके बाद अगर नंबर होता तो वो 1000 होता. तो हमने फिर उसको देखा कि ये किस तरह से लिखा जाता है, हाउ डज द पोजिशनल कहलाते हैं ना इसको. पोजिशन क्या है, अगर ये पोजिशन है तो ये 10 की बेस 0 है, ये अगर पोजीशन सेकंड है तो 10 की जो बेस है वो 2 1 है, और ये अगर थर्ड पोजीशन है तो 10 की थर्ड पोजीशन पे 10 की पावर जो है वो 2 है, n माइनस 1 है पावर. अगर यहाँ पहली पोजीशन है तो 10 की पावर n माइनस 1 इज 0, अगर सेकंड पोजीशन है तो 10 की पावर n माइनस 1 इज 1, 2 सेकंड पोजीशन पे 2 माइनस 1 या 3 माइनस 1, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्जन में चले गए थे मुझे. ठीक है, तो ये कन्वर्जन है किसी भी नंबर का, वो बेस लिख दिया आपने, 10 की पावर लिख दी, और उसके बाद फिर आप उसको कर लेते हैं. हमने कट दिया था, सिर्फ रिवाइज करें. ठीक है, फिर उनको आप जमा कर लेते हैं. ठीक है, ये एक और नंबर है, इसको 1 2 3 4 1000, ये 1000 है, मैं इसको बड़ा कर लूँ तो ये 1000 है, ये 100 है, और ये 10 है, और ये यूनिट है. ठीक है, तो ये यूनिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो जो यूनिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 100 है वो 10 की पावर 2 से होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसी को बेस करते हुए हम बाइनरी को, ऑक्टा को और हेक्साडेसिमल को देखेंगे. ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है, बेस की पावर देन बेस की पावर देन बेस की पावर, तो बेस की पावर क्या है, जो सबसे ज्यादा राइट पे है उसकी पावर 0 होगी, और इसको लेफ्ट साइड पे जाते हुए इंक्रीज करते जाएंगे. ठीक है, साइड से राइट साइड पे इंक्रीज करते जाएंगे. ठीक है, इसका उल्टा क्या हो सकता है, अगर लेफ्ट से राइट पे जाए तो क्या हो. ठीक है, अगर देखिए ये हम यहां से यूं जा रहे हैं, मैं इसको बना देता हूं, मैं यूं कर लेता हूं, ये हम इस तरफ जा रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट इसका कलर चेंज कर दो. ठीक है, अगर ये इस तरफ जा रहा है तो पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो अगर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब है पावर कम हो रही होगी. ठीक है, ये बस याद रखिएगा, ये इक्वेशन है, अगर ये इस तरफ जा रही होगी तो पावर कम हो रही होगी. ठीक है, ये हम जरा याद रखेंगे अभी. ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं. ठीक है, अभी ये भी हमने देख लिया था, इसमें जी नुमान रहीम साहब आप अपनी वीडियो ऑफ कर दीजिए और क्लास ले लीजिए आराम से बैठ के. फिर आप इशू हो गया, द प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी अबाउट दैट. ठीक है, चलिए लेट मी टेक द अटेंडेंस, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद जो लोग तवज्जो से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे, और जिनको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो. ठीक है, तो लेट मी टेक द अटेंडेंस. ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं.
राजा सर अटेंडेंस बोल दीजिएगा राजा प्रेजेंस प्रेजेंस सर जी जी सुन लिया है राजा रोहन 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 नजर आ रहे हैं आवाज नहीं आ रही चलिए लगा रहा हूँ उनकी रोनित रोनित है सानिया अब्दुल कादिर प्रेजेंट सर नूर अली नूर प्रेजेंट सर प्रेजेंट ठीक है ठीक है लगा दिया कासिम अली प्रेजेंट सर रेहान रियाज प्रेजेंट जी जी समर अली प्रेजेंट समीर अथर साद हुसैन प्रेजेंट सर समीर अथर प्रेजेंट है अच्छा समीर अथर भी प्रेजेंट है सद्दाम खान कुछ लोग चैट में का मैसेज आया जी संगीत कुमार संगीत संगीत की आवाज नहीं आ रही है नील कुमार प्रेजेंट सर जी सागर कुमार सर संजय कुमार प्रेजेंट सर निर्मल लाल निर्मल प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर जी जी लगा दिया निर्मल लगा दिया ऋतिक लाल नकीम निजार प्रेजेंट प्रिंक्या महेश प्रिंक्या सज्जाद कयूम सर ऋतिक प्रेजेंट सर अच्छा ऋतिक प्रेजेंट सर लगा दिया सज्जाद कयूम नोमान रहीम प्रेजेंट सर सभी हसन राजानी सभी राहिम सोहेल पलक तरेजा सफा मरवा प्रेजेंट सर चलिए अब जिन लोगों का रह गया मैं दोबारा से नाम कॉल कर रहा हूँ बताते जाइएगा रोनित प्रेजेंट सर ओके संगीत कुमार ठीक है प्रिंक्या महेश सज्जाद कयूम सभी हसन पलक प्रेजेंट सर जी जी पलक मैंने देख लिया था मैसेज राहिम सोहेल पलक सफा मरवा और तो कोई नहीं है चलिए हम ठीक है अब हम पढ़ाई कर लेते हैं और ठीक है तो ये नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि किस तरह से जो नंबर है पोजीशन किस तरह से लेता है राइट साइड पे तो उसका क्या मतलब है उसके बाद वाली साइड पे तो क्या मतलब है तो इट्स अ पोजीशनिंग नंबर ठीक है तो जैसे जैसे नंबर लेफ्ट साइड पे जाता जाता है वैसे वैसे उसकी पावर बेस की बढ़ती जाती है ये बेस की पावर कितनी है जीरो ये बेस की पावर वन है तो वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है ठीक है तो दिए एक इक्वेशन है जो आपको समझ में आ रही होगी आगे चलते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन ये देख लिया होगा आपने 101 बेस 2 है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस 10 में आ जाएगा तो प्रॉब्ली नो क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये वही नंबर है 10100 है ना ये 1 आ गया फिर ये आ गया तो इसको हम 0 की 2 की पावर जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे बेस 2 है तो हमने बेस 2 से किया अगर ऑक्टा होता तो हम बेस 8 से कर लेते हैं तो कन्वर्ट हो जाता ठीक है ना तो जो बेस लिखी हुई है जो ब्लू कलर में नंबर लिखा हुआ है वो हम बेस मानते हैं या रेडिक्स मानते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है अब ये नंबर है बेस 2 से कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल तो हमने ये कर लिया मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो सर हाथ रेज कर दे कि सर ये चीज समझा दीजिए दोबारा से आई एम अज्यूमिंग क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है और मैं आपके सामने नहीं हूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है
ठीक है, तो कुछ जगहों पर जहां हम डिटेल में जाएंगे और ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो सर को रोक लीजिएगा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था, बाइनरी नंबर 0-1 होता है। बाइनरी बिट किसे कहते हैं? द टर्म बिट इज कॉन्ट्रेक्शन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी 0 है या 1 है, एक जो भी खाना है उसको हम बिट कहते हैं, और अगर चार खाने हैं तो उसको बाइट कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ये बिट एंड बाइट आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और इसको आपको जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत हेक्साडेसिमल के नंबर या हेक्साडेसिमल के एड्रेसेस आपके काम आएंगे, तो हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है, ऑक्टा में क्या हुआ जनाब? ऑक्टा में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बेस चेंज हो गई। तो जहां 2 आ रहा था वहां 8 आ गया, बाकी नंबर वही है 0, 1, 2, 3। ठीक है, और जो नंबर है वो हम लिखते जा रहे हैं 2, 4, 3, 2, 6, 3, 4। तो 4 ये आ गया, 3 ये आ गया, ठीक है, 6 ये आ गया और ये 2 आ गया। इनको हमने जो भी नंबर है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 हो गया, फिर ये 28 हो गया, 384 हो गया, इनको सम कर लिया तो ये नंबर आ गया। अब ये नंबर बेस 8 में है तो इसका इक्विवेलेंट 1436 आ गया। अगर यही नंबर बेस 16 में होता तो ये नंबर हायर होता। तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये नंबर अगर बेस 16 में है तो क्या होगा। देखिए, ये वही नंबर है 2364, यहाँ पर बेस 8 में था, यहाँ पर बेस 16 में है, तो ये 1400 के बजाय 5600 हो गया, बहुत नंबर बढ़ गया क्योंकि हेक्साडेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल 9 के बाद क्या कर रहे हैं हमें, क्योंकि 16 नंबर चाहिए, हेक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ, और ए को हम 10 के बराबर ले रहे हैं, बी को हम 11 के बराबर कह रहे हैं, तो ये हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल मीन 16, 10 प्लस 6 हेक्स, ठीक है, तो 16 हो गया। और हम करेंगे, यानी ये कब रिपीट होगा, एफ के बाद रिपीट होगा, एफ इज 16, एफ के बाद रिपीट होगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 10 में क्या होता है, सॉरी डेसिमल नंबर में क्या होता है, 9 के बाद रिपीट हो जाता है, जब 10 नंबर रिपीट हो जाते हैं, तो यहाँ पर 15 नंबर है, 15 के बाद छठा जो है वो रिपीट करेगा। ठीक है, तो जब कन्वर्ट करना है तो आपने क्या किया जनाब, आपने बेस 2 देखा, बेस 8 देखा, और अब बेस 16 देखा, जिसमें आप वही नंबर वही इक्वेशन है जिसमें आप बेस रखते जाते हैं और उसकी पावर लिखते जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तब पूछ लीजिए। क्लियर है सारे लोगों को? कोई मसला नहीं हो रहा, और ये पूछा जाएगा एग्जाम में तो भी याद रहेगा, कोई याद लॉजिक में कोई मसला नहीं हो रहा लोगों को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या नजर आ रहा है, यहाँ 4 किस्म के नंबर हैं, और डेसिमल क्योंकि हम उससे फैमिलियर हैं तो सर ने उसको सबसे पहले रखा हुआ है। डेसिमल के बाद 9 नंबर के बाद 10 आ गया है, बाइनरी में 2 नंबर के बाद 10 आ गया है, ऑक्टा में 7 नंबर के बाद 10 आ गया है। तो यहाँ 10 हर जगह लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में भी लिखा हुआ है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। बेस 10 में हम बहुत फैमिलियर हैं कि 10 का क्या मतलब है, बाइनरी में एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, ऑक्टा में उस 10 का मतलब कुछ और है, और हेक्साडेसिमल में उस 10 का मतलब है। ये चीज ऑब्वियस हो रही है कि बिकॉज ऑफ द बेस दिस नंबर इज डिफरेंट, बिकॉज वो रिपीटेशन जो है वो हेक्सा में 15 के बाद होती है, ऑक्टा में 7 के बाद होती है, डेसिमल में 9 के बाद होती है। ये चीज क्लियर हो रही है हमारे लोगों को? क्लियर हो रही है बिकॉज ऑफ दी? जी सर, हो रही है जी। अब ये जहन में रखना है, ठीक है ना, तो हमें ये जहन में रखना है। एक्चुअली हम हमारा ज्यादा फोकस बाइनरी और हेक्साडेसिमल में है बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली लैंग्वेज का जो कोर्स हम पढ़ेंगे, ये उस वजह से। लेकिन हम क्योंकि डेसिमल से ज्यादा फेमिलियर हैं तो हम डेसिमल को देखते हुए बाकी नंबरों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कन्वर्जन देख लेते हैं बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा याद भी हो रहा है हमें, थोड़ा सा समझ में आ जाए जब एग्जाम में करें तो।
प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा मैं याद रहेगा. तो एक कोई नंबर है, ये वही चीज है जो पिछली क्वेश्चंस में की हुई है. वही नंबर लेंगे, उसको आप देख रहे हैं, वही चीज है. एक्चुअली लिखने की तरीका मुख्तलिफ है. तो बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा. तो वही 10110 को लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की पावर 1 से किया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. कि पावर बढ़ रही है, इन सबको जमा कर लिया, ये वही इक्वेशन है. सॉरी, कुछ हाथ लग रहा है मेरा. ये वाली इक्वेशन है. ठीक, तो इसमें यूं लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर से नीचे लिखता जा रहे हैं, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, इन सबको जमा कर लिया तो ये आपके पास 10 आ गया. ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है. ठीक है, वेटेड का मतलब क्या है, पोजिशन के हिसाब से. पहली पोजिशन है तो 0, दूसरी पोजीशन है तो 1, तीसरी पोजीशन है तो n-1, 2. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, हमें कोई मसला नहीं, हम आगे चलते हैं. ऑप्स ठीक है, ये भी वही नंबर है. आप वही नंबर को आप इस तरह से लिखते जा रहे हैं, तो बाइनरी से डेसिमल, तब ये मसला नहीं होना चाहेगा. अब हम जरा देख लेते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये तो हम कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल. ठीक है, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है. और नंबर देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है, इसको मैं जल्दी से आगे ले जाता हूँ. ठीक है, देख लीजिए 1 1 1 0 0 1. ठीक है, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही. ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट के लिए बंद कर दूं, अजान हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूँ. चलिए ठीक है, तो हम आगे चलते हैं. ठीक है, ये अभी अगेन एक्सरसाइज, लेकिन वो कर लीजिएगा. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे नोट्स में लिखी हुई है. बोर्ड पे होता तो मैं किसी को बुला लेता, कर लेता, हमारे पास नहीं, लेकिन कर लीजिएगा एक घर में, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम्स और इसमें आएंगे इस तरह के सवाल, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है. ठीक है ना, वे बड़े नंबर में आपने कन्वर्ट करना होगा इनटू द डेसिमल. ठीक है, तो जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अब क्या कर रहे हैं, अब उल्टा कर रहे हैं, अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, जिस नंबर में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करते जाएंगे. अगर डेसिमल से ऑक्टा में करना है तो 8 से डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है, और अगर डेसिमल से हेक्स में करना है तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है, तो ये है टेक्निक, जिस तरह से जो बेस था उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ जो भी बेस है उससे डिवाइड करते जाएंगे, पहले वाले नंबर को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, इस तरह से. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 एंड टेक रिमाइंडर. जो रिमाइंडर बच गया उसको लिखते जाइए, जब 0 आ जाए तो फिर आप उसको उल्टी ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए. ठीक है, अब हम इसको जरा देख लेते हैं. ठीक है, अब ये पहला नंबर क्या है, 37 को हमने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आ गया, 1. तो रिमाइंडर को हमने क्या किया, दोबारा से लिख दिया उसको, फिर 2 से डिवाइड किया. ठीक है, और क्या 9. ठीक है, तो हम ये डिवाइड करते जा रहे हैं और रिमाइंडर को लिखते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये 1 बच गया, 9 को 2 से डिवाइड किया तो 8 गया, और ये 4 बच गया. ठीक है, तो इस तरह से हम करते गए आखिरी नंबर तक. ये आखिरी नंबर क्या आ गया, 0. तो हमने क्या किया, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाए, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, तीसरी है, तो दिस इज द नंबर. तो जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, अगर डेसिमल से ऑक्टा में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, कोई बताएगा किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे. बिल्कुल सही है, इसी तरह से हेक्साडेसिमल में करना होगा तो हम 16 लेंगे. जी, और क्या करना है, और आपको जो रिमाइंडर है, जो बाकी बच रहा है, जब डिवाइड करते हैं तब 2 18 36, तो 36 के बाद 1 बच रहा है, तो 1 को मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, इसी तरह से 2 9 18,
18 में से क्या बच रहा है, जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया. फिर 2 4s are 8, तो 8 में से 1 बच रहा है, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया. 2 2s are 4, क्या बचा, जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया. 2 1s are 2, क्या बचा, जीरो, तो मैंने जीरो लिख दिया. ठीक है, और फिर ये 2 को 1 से डिवाइड किया, तो ये हमने क्या बचा, एक्चुअली 1 बच गया. ठीक है ना, 2 0s are, ठीक है, तो ये 1 बच गया. तो फिर हमने इसको 1 0 0 1 0, ये है. तो आगे भी देख लेते हैं, इसी तरह का नंबर है. ठीक है, ये 93 को हमने करना है, तो 93 को आप डिवाइड करें 2 से, फिर जो बचा उसको 46 को 2 से डिवाइड करें, फिर जो बचा उसको 2 से डिवाइड करते करते जाएं करते जाएं, आपके पास 0 आ गया. 0 आ गया तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला नंबर. ठीक है, तो ये आपने लिख दिया. ठीक है, तो क्या है, पहले हम बाइनरी से और दूसरे नंबरों से डेसिमल में कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे कि उसको बेस की पावर लेफ्ट से राइट लिख रहे थे. अब यहाँ करते जा रहे हैं, हम डिवाइड करते जा रहे हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जो रिमाइंडर है, जो बाकी बच रहा है, उसको हम लिखते जा रहे हैं. और उसको क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो वो इक्विवेलेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 93 जिसका बेस 10 है, इसका इक्विवेलेंट ये वाला नंबर है बाइनरी में. कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई मुश्किल हो रही है, बिल्कुल सही है, सब समझ में आ रहा है. अब इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को, ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं तो आपको याद रहे. कोई मुश्किल तो नहीं हो रही किसी को भी? नहीं सर. नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू. आगे चलते हैं. मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए भी ज्यादा मसला नहीं हो रहा है. ये कौन नंबर है, तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, सिवाय इसके कि इसमें गैप दिया हुआ है, क्योंकि हम बिट की फॉर्मेट में पढ़ना चाह रहे हैं. बिट, 3 बिट अलग है, 3 बिट अलग है, ये 6 बिट्स हैं एक्चुअली. ठीक है, ये 6 बिट है, देख रहे हैं आप, फर्क करके लिख दिया. तो जब आप कंप्यूटर की जुबान में जाएंगे तो 4 4 की बिट लिखी होंगी, 4 4 की बिट में इसको रीड करना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो ये थोड़ा देख रहे हैं आप, सर ने अलग अलग कर दिया. तो देयर इज अ रीजन, जब आप कोर्स पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो हर बिट अलग अलग लिखी होगी, बाइट अलग लिखी होगी, 4 4 बाइट्स अलग अलग लिखी होगी. तो ये वही नंबर है, हमने कुछ नहीं किया उसको, जरा टेक्निक ये की कि दरमियान में एक गैप दे दिया, ये एक गैप दे दिया, और यहाँ पर एक छोटा सा गैप दे दिया, जिससे आपको पता चल रहा है ये 3 बिट है और ये 3 बिट अलग हो गई, 6 बिट हो गई. ठीक है, तो बिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक नंबर 0 या 1, इट्स बिट, बाइनरी डिजिट, और इसका कॉम्बिनेशन 4 में 8 में 12 में 16 में लिखा जाएगा. 4 4 4 4, उसके बाद 4 8, उसके बाद 4 12, उसके बाद 4 16, तरह से लिखा जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये देखिए यहाँ पर जो बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर है, वो 0.081 यानी डेसिमल के बाद है. ठीक है, तो डेसिमल के बाद है, तो क्या होगा जनाब, डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. क्यों, क्योंकि जब हम डेसिमल से पहले वाले नंबर थे उनमें पावर ऐड हो रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो आप डिवाइड करते गए, सॉरी मल्टीप्लाई करते गए, पहली दफा, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, तो जो नंबर कन्वर्ट हो रहा है उसका डेसिमल पार्ट ले लेंगे बस. ठीक है ना, तो 8.81 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16.2 हो गया. आगे भी नंबर आएंगे, लेकिन हम उसको ट्रंक कर रहे हैं फिलहाल, बड़े नंबर नहीं ले रहे हैं फिलहाल, ट्रंक कर रहे हैं. तो 2 नंबर मैंने यहाँ से ले लिए, 62 को फिर मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया, तो 24 जो डेसिमल के बाद वाला पॉइंट है वो ले लिया, फिर डेसिमल के बाद वाला पॉइंट ले लिया, डेसिमल के बाद वाला पार्ट ले लिया, तो मेरे पास होल नंबर आ गया 1101. ठीक है, तो जो सबसे आखिर में है उसको मैंने सबसे आखिर में लिखा, या रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा, पहला वाला पहली दफा, दूसरी दफा तीसरी दफा, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर है. ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट तकरीबन ये हो गया 0.81 बाइनरी का, सॉरी
0.18 डेसिमल का बाइनरी तकरीबन क्या हो गया 0.110011 बेस 2। ये समझ में आ रहा है कि हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो होल नंबर है उसको लिखते जाएंगे और जो डिवीजन है या जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है उसको हम दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो डेसिमल बचा उसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। ये चीज क्लियर हो रही है? और जो नंबर आता जाएगा उसको उसी सीक्वेंस में लिख देंगे और वो हमारा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक और नंबर देख लेते आगे। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई मसला हो रहा है? एनीबॉडी? सर हम 84 के बाद भी ना क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? 84 है ना सर, वो भी डिविजिबल है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, आगे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा ना अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कर सकते हैं। और यही नहीं, जैसे 1. जब 81 जब किसी को डिवाइड करेंगे तो और भी आगे नंबर जा सकता है ना, 1.2434, तो वो हम ट्रंक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जहां जा रहा है वहां, ठीक है, तो हम कर सकते हैं और यहाँ पढ़ाने के लिए जैसे बताया और आगे भी जा सकता है। तो देन डिपेंड्स कि आप कितना एक्यूरेट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 bytes में या 6 bits के अंदर हमने ले लिया और रोक दिया उसको, आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें। अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है यहाँ पर ना कि उसके आगे भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम इसके बाद क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके बाद इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमने 6 bit तक कर लिया और हमने उसको स्टोर कर लिया। आगे गॉड नंबर देख लीजिए 0.68 को, यही चीज 0.68 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो 0.68 को मल्टीप्लाई किया तो 1.36, तो उसका होल नंबर हमने लिख लिया। तो 36 को फिर आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया और इसके आगे 0 आ रहा है। अब इस तरह से आप करते गए और ये नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, तो 68 को आप 100 और इस तरह से आप लिख देंगे। यहाँ पे भी है 0.8 को और आगे कर दें और आगे कर दें तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेसिमल वाले के बाद वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे 2 से। अगर उससे पहले वाला था कन्वर्जन तो हम डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल से पहले था तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर लिखते जाते थे, डिवाइड करते थे और रिमाइंडर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद है तो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ रोक के थोड़ा सा आपको पहली वाली जो मैंने डायग्राम बताई थी या जो एरोज बताए थे वो दिखा के सवाल करना चाहूंगा। कहाँ बनाया था मैंने, मैंने एरो बनाए थे, हाँ ये बनाए थे। मैं ये एरो मैं वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो डायग्राम अभी हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये क्या हो रहा है और क्या चीज हो रही है जी। अब जरा देख के बताइए कि जब हम बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि पावर ऐड कर रहे थे, और जब बेस 10 से पावर 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको, डेसिमल से पहले। ठीक है, ठीक है ना, और डेसिमल के बाद क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एरो समझ में आ रहा है कि एरो पॉइंट के बाद वाला जो एरो है उसमें पावर कम होती जाएगी और डेसिमल से पहले जो है इसमें पावर ऐड होती जाएगी। ये बात नजर आ रही है यहाँ पर? जी सर आ रही है। ठीक है, तो हम इसका रिवर्स कर रहे हैं। इसका रिवर्स क्या कर रहे हैं, ये कब था, ये कोई भी नंबर था, बाइनरी था, ऑक्टा था, डेसिमल था, तो हम क्या कर रहे थे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे बेस 10 में। अब बेस 10 से कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और उसमें, तो उसका उल्टा कर रहे हैं, यानी उसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो जहां डेसिमल है वहां मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इसको जरा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, मैं हमसे पढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है, बहरहाल मुझे चैलेंज है कि मेरे पास बोर्ड नहीं है और मेरे सामने आप नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, लेकिन बहरहाल कोई चीज नहीं समझ में आया तो सर को रोक लीजिए,
सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अब ये डेसिमल से नंबर है तो जरा ये जरा बड़ा नंबर है, ठीक है ये वही नंबर है, इसको देख रहे हैं आप ये पावर कम होती जा रही है, माइनस वन एक दफा डिवाइड करेंगे माइनस टू का मतलब है, और डिवाइड करेंगे माइनस थ्री, तो पावर एक्चुअली ऐड हो रही है, नंबर नीचे से कम होता जा रहा है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो ये आपने बेस टेन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको फिर आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिए या फिर आप किसी और तरह से लिख लीजिए, तो डेसिमल के बाद आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आप टू से और फिर आप जो भी रिमाइंडर है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ऑक्टा देख लेते हैं, जहां बेस टू था वहां आठ नंबर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वही चीज है, जहां पावर टू बेस था वहां आठ आ गया, एट की पावर जीरो, एट की पावर है, एट की पावर, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है ना, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी हमने देख लिया, सिक्स सेवन फाइव टू, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये सारे नंबर लिख के, फिर खुद चेक कीजिएगा ताकि आपको सिस्टम ये जो इक्वेशन है वो याद हो जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। फ्रॉम राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है तो पावर टू की या एट की बढ़ती जा रही है, और जो भी नंबर है वो उसको हम जमा करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है, इसमें हमारे पास डेसिमल से पहले वाली भी है और डेसिमल के बाद वाली भी पोजीशन है, ठीक है। तो जो डेसिमल से पहले वाली पोजीशन है उसमें पावर ऐड हो रही है, और जो डेसिमल के बाद है उसमें पावर, तो ये वाली जो सेवन वाला पॉइंट है इसमें डेसिमल आ गया है, तो देख लेते हैं ये डेसिमल का मतलब है डिवाइड करते जाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज हमें दिख रही है कि ये पावर एक्चुअली जीरो वन टू थ्री, तो यहाँ जीरो एन माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गई, माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है, एक्चुअली देख रहे हैं आप, यहाँ डिवाइड हो रही है, यानी सेवन को एट से डिवाइड किया जा रहा है, फोर को 16 से डिवाइड किया जा रहा है, दिख रहा है आपको ये 7, ये पावर रेस टू द पावर 1 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 8, ठीक है। तो 8 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन 64, सॉरी, ठीक है। तो ये 0.625 आ गया, ये 0.85 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये डेसिमल से पहले वाला नंबर है 380, 320 और 10, तो 330 हो गया, और ये डेसिमल के बाद वाला नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद में ये आप देख रहे हैं कि माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ठीक है। कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल नहीं हो रही है, समझ में आ रही है सर? जी सर, तो अटेंडेंस ही लगी मेरी सर। चलिए तो अटेंडेंस लगा देते हैं, इसको यहाँ रोक लेते हैं, सर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो आज, मगर ये जो कुछ सर ने पढ़ाया है उसको, जो इनकी अटेंडेंस लगी रोक रही है, बाकी लोगों को ये कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है तो सर को बता दीजिए, हम उसको, बाकी जिन अटेंडेंस रह गई है वो हम। सर सर मीटिंग एंड होने वाली है, हाँ तो मैं दोबारा से कर लूंगा, कोई मीटिंग एंड कोई मसला नहीं है, दोबारा से कर लेंगे, जो मीटिंग अटेंडेंस जिनका मसला नहीं है वो दोबारा से लॉग इन नहीं करेंगे, जिनका अटेंडेंस का मसला है वो दोबारा से लॉग इन कर लेंगे, सर को बताएंगे, ठीक है। तो किसकी रह गई, सज्जाद की रह गई? यस सर, सर मेरी भी रह गई है, सर प्रियंका, प्रियंका की भी रह गई है, सज्जाद की भी रह गई है, दो लोगों की अटेंडेंस रह गई है। चलिए मैं लगा देता हूँ, लेट मी, ठीक है एक मिनट।